हेलो फ्रेंड्स, हेयर अनुपम अगेन। आज हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कुछ टेक्निक्स, स्क्वायर की। हम स्क्वायर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत जल्दी, कुछ सेकंड्स के अंदर। जैसे हम जानते हैं कि जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं IBPS, SSC, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है स्पीड। हम कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स जाननी पड़ेंगी। तो हम स्क्वायर की ट्रिक जानते हैं, कुछ देखते हैं। सबसे पहले बहुत यूजफुल टेक्निक है ये, बहुत आसान भी। एक फॉर्मूले पे बेस है, बेसिक फॉर्मूला अलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वी ऑल नो दैट। ऑल्सो वी कैन राइट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वी कैन टेक दिस माइनस बी स्क्वायर टू राइट हैंड साइड, इट विल बिकम प्लस बी स्क्वायर। एंड ऑन दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ ए नंबर। हाउ? लेट्स सी। Suppose we have to find out 97 square. 97 का स्क्वायर हमें निकालना है। 97 किस बेस के नियर है? हम जानते हैं बेस क्या होता है, 10 की पावर के इधर क्या होगा, 10 का स्क्वायर डेट इज 100। 100 के नियर है ये बेस, हम लेते हैं 10 की पावर के, और इधर हम क्या लेंगे, 10 की पावर 200। क्यों? क्योंकि 97 100 के नियर है। अब 100 माइनस 97 इज 3, मतलब बी की वैल्यू हो गई 3। बेस से कितना दूर है ये, वो हो जाती है हमारी बी की वैल्यू। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी स्क्वायर, हमें तो हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 97 प्लस 3 इज 100, 97 माइनस 3 इज 94, 3 स्क्वायर 9, यानी 9400। मल्टीप्लाई करना होता है तो बहुत सारा होता है, 9400 से 9400 प्लस 9, आंसर विल बी 9409। एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसी के ऊपर। और स्क्वायर की टेक्निक्स को मास्टर करने के लिए मिनिमम यू हैव टू लर्न स्क्वायर्स अप टू 25 का स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे, 25 तक के, तब आप ये स्क्वायर आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे, कुछ सेकंड के अंदर, 3-4-5 सेकंड के अंदर। एक और देखते हैं हम एग्जाम्पल। सपोज 84 का स्क्वायर, क्लोजेस्ट बेस 100 बेस इज क्लोजर। अब 100 माइनस 84 इज 16, इसका मतलब 84 प्लस 16 84 माइनस 16 प्लस 16 का स्क्वायर, मैंने कहा था ना 25 तक के आपको याद होने चाहिए। 84 प्लस 16 इज 100, 84 माइनस 16 इज 68, एंड 16 का स्क्वायर इज 256। नाउ 6800 प्लस 256 इज
हम 16 का स्क्वायर को भी इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे देखते हैं चलो एक बार वो भी। सिक्सटीन का स्क्वायर, अब हम बेस क्या लेंगे, 10 की पावर 1, क्यों, 16 is closer to 10, नॉट 100, द डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 16 इज 6, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, 16 + 6, 16 - 6 प्लस 6 square, what is 16 + 6, 22, 10 plus 36, 220 plus 36, कितना हो गया, आ गया आंसर 226, ठीक है, ये एक टेक्निक हो गई हमारे पास। एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक देखते हैं, अगर आपको 25 तक के स्क्वायर याद है तो मैं आपको 35 के स्क्वायर याद करा सकता हूं, कैसे, चलो पहले लिखते हैं, स्क्वायर अप टू 35, कैसे निकालेंगे हम, देखो 19 का स्क्वायर क्या होता है, 3, 16, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, इतने याद कर लो आप। अब हम देखते हैं कुछ एक चीज, सपोज व्हाट विल बी 26 स्क्वायर, ध्यान से, 26 25 से कितना बड़ा है, एक, हम क्या करेंगे 25 को हम बेस वैल्यू मानेंगे, ठीक है, हम 25 से पीछे चलेंगे, हम 25 से 26 एक ज्यादा है तो हम एक ही पीछे चलेंगे, कितना आ गया 24, 24 का स्क्वायर क्या है 576, 576 प्लस क्या होगा, प्लस 25 से कितने प्लेस आ गए, एक, एक का मतलब 100, क्या आंसर हो गया, ट्वेंटी सेवन स्क्वायर कितना आ गया 25 से, 2, ठीक है, 2 पीछे चलेंगे हम, 23, 23 का स्क्वायर 529, अब हम आगे कितने चले, 2, कितना आ जाएगा 200, सेवन ट्वेंटी नाइन आंसर, सपोज 31 स्क्वायर निकालना हमें, अब क्या करेंगे हम, 20 कितना का चले हम, 6,
25 प्लस 6 31, 6 पीछे चलेंगे 25 माइनस 6 19 का स्क्वायर 361, आगे कितने चले हम 6 यानी 600। Isn't it easy? Up to 35 हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। Suppose 34 का स्क्वायर कर लें। 20 से कितना आगे चले हम 9 आगे चले तो 9 पे चलेंगे हम। 9 पे चलेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 का स्क्वायर हमने अभी देखा ही था 256 होता है। कितना आगे चले हम 900 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 1156। तो हम इस तरह स्क्वायर टू 35 याद कर सकते हैं। ऐसे एक टेक्निक है 35 से 75 तक के स्क्वायर याद करने की, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब एक टेक्निक और देख लेते हैं हम, जिसमें हमें जो नंबर हमारे 5 से एंड हो रहे हैं उनका स्क्वायर निकालना होता है। थर्टी फाइव का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे 3 × 3 से एक बड़ा नंबर 3 + 1 एंड 5 का स्क्वायर 25 कितना हो गया 3 × 3 + 1 4 4 × 3 = 12 25 आंसर हो गया। नाइन से एक बड़ा 10 9 × 10 इज 90 90 कैसा आया 9 × 9 + 1 ठीक है। तो हमने आज तीन टेक्निक सीखी, कौन कौन सी, एक एलजेब्रा फॉर्मूले पे बेस, एक 35 तक के स्क्वायर निकालने की टेक्निक, अगर मैं 25 तक के याद है, एक स्क्वायर जो कि हमारे पास एंड हो रहा है 5 से। जो हमने ये वाली टेक्निक यूज करी है 5 से एंड होने वाले स्क्वायर की, ये टेक्निक हम इसको बहुत इलैबोरेट करके भी यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। और एक टेक्निक और जिससे आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का, टू डिजिट। सपोज नंबर इज ए बी स्क्वायर, ओके, व्हाट विल वी डू, वी डू बी स्क्वायर सेपरेटली, देन ट्वाइस ऑफ ए बी, देन ए स्क्वायर। व्हाट वी हैव टू रिमेंबर हियर, बी स्क्वायर इज अ वन डिजिट नंबर, the other digit will be carried out. Like this, this is also one digit. Next is carry out. Example देखते हैं, example से clear हो जाएगा। मेरे पास question है 67 का square, मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकता हूँ मैं, 7 का स्क्वायर कर लूँ, ए 6 है बी 7 है, 7 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लूँ, ट्वाइस कर दूँ 6 × 7 6 का स्क्वायर कर दूँ और जो कैरी आया वो ऐड कर दूँ। ये हमने सीखा फॉर्मूले से, अप्लाई करके देखते हैं। 7 का स्क्वायर 49, लेकिन एक डिजिट नंबर होगा 9, 4 कैरिड आउट, 4 कैरिड आउट हो गया, 6 × 7 इज 42, 42 का डबल 84, 84 और 4 कैरिड था तो उसको ऐड कर देंगे 88, 8 कैरी, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 8 डबल 489 आंसर।
किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी भी टू डिजिट नंबर का। ये भी बहुत पावरफुल टेक्निक है, अगर आप सारी टेक्निक पीछे की भूल भी जाते हैं, बस ये याद रखिए इससे आप सारे स्क्वायर हंड्रेड तक के आप निकाल सकते हैं। सपोज क्वेश्चन आता है 93 स्क्वायर निकाल सकते हैं आप, 3 का स्क्वायर कर लेंगे आप 9, कोई कैरी नहीं है, 9 × 3 = 27, 27 का डबल 54, 4, 5 इज कैरी, नाउ 9 स्क्वायर इज 81, 81 प्लस 5 इज 86, एंड वन स्टेप यू कैन गेट द आंसर। इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, बिलीव मी अ लॉट, when you will master these techniques it will really be beneficial for you in all exams, all competitive exams. One more example, 78 का स्क्वायर, okay 8 स्क्वायर 64, 6 कैरी, 7 × 8 इज 56, 56 का ट्वाइस 112, 112 एंड 6 118, बट सिंगल डिजिट 11 कैरी, 7 का स्क्वायर इज 49, 49 एंड 11 इज 6084 आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कुछ और टेक्निक स्क्वायर निकालने की, थ्री डिजिट स्क्वायर निकालने की भी देखेंगे कुछ, उसके बाद जो हमने फाइव वाली टेक्निक पढ़ी थी उसके ऊपर कुछ इलैबोरेट करेंगे, और देखते हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की और कितनी टेक्निक्स होती है, डिवाइड की, मल्टीप्लाई की, एडिशन की, सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। थैंक यू।